फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं किसी ट्रांसलेशन बुक को पढ़ के हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। चलिए एक और कंसेप्ट लेते हैं इस बुक में से, लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में से, हैड बेटर का यूज। हैड बेटर के यूज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा शुड का यूज, यानी कि एडवाइज हम किस तरह से देते हैं। तुम्हें समय पर ऑफिस पहुंचना चाहिए, यू शुड रीच ऑफिस ऑन टाइम, राइट? शुड का यूज। एडवाइज, तुम्हें मुझे ध्यान से सुनना चाहिए, यू शुड लिसन टू मी केयरफुली। तुम्हें अपने बॉस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर बॉस। तुम्हें अपने ईमेल्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड योर ईमेल्स केयरफुली। नेक्स्ट, तुम्हें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सुधारनी चाहिए, यू शुड इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तुम्हें अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट इंसल्ट योर फ्रेंड्स। तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे। तुम्हें अपनी सेलिंग स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, यू शुड इंप्रूव योर सेलिंग स्किल्स। तुम्हें अपनी मेज साफ करनी चाहिए, यू शुड क्लीन योर टेबल। तुम्हें अपने दोस्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट कैस्टिगेट योर फ्रेंड्स और कंडेम योर फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं थोड़ा सा वेरिएशन इसमें अगर लेके आता हूं, मैं एडवाइस की जगह स्ट्रॉन्ग एडवाइस देता हूं या वार्निंग देता हूं। जैसे मैं कहता हूं बेहतर होगा कि तुम ऑफिस टाइम पे पहुंचो, मैं तुम्हारा बॉस हूं, रोज तुम ऑफिस लेट आते हो, तो मैं बोलूंगा बेहतर होगा कि तुम ऑफिस टाइम से पहुंचो, यानी कि मैं वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूं। यू हैड बेटर रीच ऑफिस ऑन टाइम, शुड की जगह हैड बेटर का यूज। तुम्हें मुझे ध्यान से सुनना चाहिए, अगेन मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम मुझे कभी ध्यान से नहीं सुनते, इसके वजह से तुम कोई प्रोजेक्ट ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, तो तुम्हें मुझे ध्यान से सुनना चाहिए, मैं वार्निंग दे रहा हूं। यू हैड बेटर लिसन टू मी केयरफुली, बेहतर होगा कि तुम मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस या फिर वार्निंग। नेक्स्ट, तुम्हें अपने बॉस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बेहतर होगा कि तुम अपने बॉस की रिस्पेक्ट करो, यू हैड बेटर रिस्पेक्ट योर बॉस। हल्का सा वेरिएशन है, ठीक है। तुम्हें अपने ईमेल्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम अपने ईमेल्स को ध्यान से पढ़ो, वार्निंग, यू हैड बेटर रीड योर ईमेल्स केयरफुली। नेक्स्ट, बेहतर होगा तुम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करो। मे बी आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करना पड़ता है और आप बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, तो आपके सीनियर्स की तरफ से आपको वार्निंग आ रही है, यू हैड बेटर इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तुम्हें अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, राइट? यू हैड बेटर नॉट इंसल्ट योर फ्रेंड, हैड बेटर प्लस नॉट, ठीक है। तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, यू हैड बेटर एक्सरसाइज एवरी डे या वर्कआउट एवरी डे, ठीक है। तुम्हें अपनी सेलिंग स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, बेहतर होगा कि तुम अपनी सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करो, वार्निंग आ रही है, यू हैड बेटर इंप्रूव योर सेलिंग स्किल्स। तुम्हें अपनी मेज साफ करनी चाहिए, सिंपल हो गया। अगर मैं कहूंगा बेहतर होगा कि तुम अपनी मेज साफ रखो, यानी कि मैं वार्निंग दे रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूं, यू हैड बेटर क्लीन योर टेबल। तुम्हें अपने दोस्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बेहतर होगा तुम अपने दोस्तों की निंदा न करो, ये हमारा वार्निंग बन गया, यू हैड बेटर नॉट कंडेम योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो शुड में हल्का सा वेरिएशन हमने किया, वो स्ट्रॉन्ग एडवाइज या फिर वार्निंग बन जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर है, अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने बॉस के खिलाफ साजिश न करें, बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस या फिर वार्निंग, यू हैड बेटर नॉट कंस्पायर अगेंस्ट योर बॉस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बेहतर होगा कि आप इस घाटे में चल रहे व्यवसाय को बंद कर दें, क्या है, वार्निंग या फिर स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यू हैड बेटर सीज दिस लॉस मेकिंग बिजनेस। अगर मुझे सिंपल एडवाइस देनी है कि आप इस घाटे में चल रहे बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, यू शुड सीज दिस लॉस मेकिंग बिजनेस, अगर वार्निंग है या स्ट्रॉन्ग एडवाइस है तो हैड बेटर, ठीक है। हैड बेटर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर रहे हैं जितने भी एग्जाम्पल हमने किए हैं। नेक्स्ट, बेहतर होगा कि आप अपनी लापरवाही स्वीकार कर ले हैं,
राइट, यू हैड बेटर एक्सेप्ट योर नेग्लिजेंस, यू हैड बेटर कन्फेस योर नेग्लिजेंस, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. यू हैड बेटर कन्फेस योर नेग्लिजेंस, ठीक है. बेहतर होगा कि आप अपने डर पे विजय प्राप्त कर लें, मे बी आपके डर की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी होती है, ठीक है. तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, यू हैड बेटर ओवरकम योर फियर, ठीक है. बेहतर होगा कि आप अपने लॉयल क्लाइंट्स के साथ विश्वासघात न करें, ठीक है. अगर मुझे सिंपल एडवाइस देनी है, यू शुड नॉट बिट्रे योर लॉयल क्लाइंट्स, पर अगर मैं वार्निंग दे रहा हूं, यू हैड बेटर नॉट बिट्रे योर लॉयल क्लाइंट्स, ठीक है. तो ट्रांसलेशन एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिया. थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने जो भी हमने सीखा है उसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है. तो आपने क्या करना है, जो भी मैं बोलूंगा आप मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे. यू हैड बेटर नॉट कंस्पायर अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, योर टर्न. नेक्स्ट, यू हैड बेटर सीज दिस लॉस मेकिंग बिजनेस. नेक्स्ट, यू हैड बेटर कन्फेस योर नेग्लिजेंस, योर टर्न. सॉरी, यू हैड बेटर कॉन्कर योर फियर्स. नेक्स्ट, यू हैड बेटर नॉट बिट्रे योर लॉयल क्लाइंट्स, योर टर्न. You had better improve your communication skills, your turn. Next, you had better not insult your friends. Next, you had better understand your priorities, your turn. Next, you had better reach office on time, your turn. You had better look for a new job, your turn. तो ये तीन स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से कोई भी ट्रांसलेशन बुक पढ़ के इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. थैंक यू.